दोस्तों ये घटना सन 2016 की है, जब मैं अपने दादाजी की बरसी पर गांव आया हुआ था, लेकिन बड़ी जल्दी वापस कॉलेज भी लौटना था क्योंकि मेरे एग्जाम थे। तो अगर मैं रुकता तो मुझे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। बस यही ध्यान में रखते हुए मैंने गांव से निकलने का सोचा। उस समय रात के 8 बज रहे थे। घर वाले काफ़ी समझा रहे थे कि गांव खेड़ा है, यहाँ 7-8 बजे के बाद परिंदा भी पाँव नहीं मारता। आए दिन कुछ ना कुछ अनहोनी इस गांव में घटती ही रहती है। यही कारण है कि रात को इस गांव से सफ़र करना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। मैं हंस पड़ा, भला ये गांव गलियों की बातें तो वहाँ शहर में हम दोस्त ठाके मारकर उड़ा देते हैं, और मैं ठहरा साइंस का स्टूडेंट। मैं तो भगवान को भी नहीं मानता तो भला भूतों को क्यों मानूंगा। आज तक इतने सफ़र किए पर कभी कोई भूत मेरे पीछे नहीं लगा। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपने घर से निकलने लगा। लेकिन निकलने से पहले मेरी दादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने मुझे कुछ नियम बताए। पहला कि गांव से एक बार बाहर निकल जाओ तो जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंचो तब तक गांव का जिक्र भी मत करो। दूसरा कि रास्ते में कहीं भी पेशाब आए तो भूल से भी रोड पर मत करना। अगर कोई बस आती दिखे और उस पर क्रॉस का निशान झलके तो जितना दूर हो उस बस से दूर ही रहो। कहते हैं ऐसी बसें आधी रात के बाद इस गांव में भटकती हैं और अपना शिकार तलाशती हैं। कहते हैं ये प्रेत राक्षसों और मुर्दों की बस होती हैं जो हर रात 12 से 3 के बीच गुजरता है। खैर तभी एक दोस्त का फोन आया और मैं बातें करता हुआ वहां से निकलकर जाने लगा। बस स्टैंड मेरे घर से थोड़ा लंबा था और आखिरी बस 12:25 की होती थी। इसके बाद वहां से बसें नहीं मिलती थी। जिस दोस्त से मैं बात कर रहा था उससे मैंने जिक्र कर लिया कि मैं अभी भूतिया रास्ते पर हूँ। हंस तो मैंने गांव के लोगों वाली बात उससे कही, जैसे आधी रात को सड़क सुनसान हो जाता है वगैरह वगैरह। इसके बाद वो जिद करने लगा मुझसे वीडियो कॉल करने की। वीडियो कॉल पर आने के 1 मिनट बाद अचानक से वो मुझे देखकर चिल्ला गया। मैं कैमरा में उसके डरते कांपते शक्ल को साफ साफ देख रहा था। आखिर डरावने रास्ते पर तो मैं हूँ, फिर इसके क्यों पसीने छूट रहे हैं। वो मुझे पीछे पलटने का इशारा कर रहा था पर उस वक्त सिर्फ वो उसका इशारा ही था जो कोई समझ नहीं पाया। इसके बाद वीडियो कॉल उसने तुरंत काट दिया। मैंने इसे कॉल करके इसकी वजह जाननी चाही। उसने कॉल उठाया और फिर जो उसने कहा उसके बाद थोड़े समय के लिए मेरे कदम भी रुक गए। मुझे उसने बताया कि जब वो मेरे साथ वीडियो कॉल पर था तब उसने मेरे पीछे किसी 6 फुट के शख्स को देखा। ये बात सुनकर मुझे 200% लगा कि मेरा दोस्त मेरे से मजाक कर रहा है। टॉयलेट लगी तो मैं वहीं झाड़ू में करने चला गया और पता नहीं 2 मिनट बाद ही एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा उसी झाड़ी से आवाज़ निकलता हुआ निकला। अब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो एक सफ़ेद बस खड़ी थी। मुझे बड़ी राहत की सांस मिली और ये देखते हुए कि बस मुझे पहले ही मिल चुकी है, मैं बिना कुछ सोचे समझे उस बस में दाखिल हुआ और इसके तुरंत बाद ही बस का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। उस बस में कुछ लोग ही बैठे थे लेकिन सब में एक बात बड़ी कॉमन थी कि हर कोई सिर झुकाए एकदम शांत किसी मूर्ति की तरफ बैठा हुआ था। फ़ोन पे समय देखने पर पता चला कि इस समय रात के 1:30 बज रहे थे। तभी मैं ये सोचने लगा कि गांव वाले और दूसरे तो दावा करते हैं कि 12 बजे के बाद कोई बस ही नहीं होती है, फिर भला अभी मुझे ये बस कैसे मिल गई। इसके तुरंत बाद ही जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो कांच पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने थोड़ा पास जाकर देखा तो मैं एकदम से सन्न रह गया। उस कांच पर लिखा था, ये बस जिंदे लोगों के लिए नहीं है। वाकई ये बड़ा हिला देने वाला सिग्नल था, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को ये बोलकर शांत कर दिया कि हो सकता है शायद किसी ने मजाक में ऐसा लिखा हो। सफर के दौरान अगर कोई बातचीत करने वाला मिल जाए तो सफर का पता नहीं चलता। बस इसी सोच में वही पीछे वाली सीट पर बैठे एक आदमी के बगल में जा बैठा। तब तक बस भी धीमी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैं जब उसके पास गया तो वो मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे वो कच्चा चबा जाएगा मुझे। अब तो मैं भी पीछे हट गया क्योंकि उस आदमी की निगाहें और उसका चेहरा दोनों बड़ा ही भयानक दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। मैं वहां से हटता हुआ सबसे आगे वाली सीट पर जा बैठा। वहां पर खिड़की खुली हुई थी तो हल्की नींद के साथ खिड़की पर सीट टिकाए मुझे नींद लग गई। फिर 2 मिनट के बाद मुझे कोई टांगों से घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले जा रहा था। कुछ लोगों की भीड़ ने मुझे जैसे अपना शिकार बना लिया है। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे उनमें से कोई भी आदमी जिंदा नहीं लग रहा था। किसी की जुबान बाहर पसरी थी तो किसी की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब थी। कोई बहुत ज़्यादा कद में लंबा था
तो कोई बिल्कुल छोटा सा था। ये दृश्य अगर अंधेरी रातों में कोई कल्पना भी कर ले तो एकदम से कांप उठे। तभी अचानक से किसी ने कान में पुकारा, कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। दोस्तों इतना सुनते ही मैं जैसे एकदम से नींद से जागा और जागने के साथ ही अब मुझे बस में कंडक्टर ड्राइवर के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेरी हालत अब बुरी तरह से खराब हो गई। इसके तुरंत बाद ही कंडक्टर आया और उसने मुझे एक पर्ची थमा दी जो शायद टिकट था। मैंने उस पर ध्यान लगाया तो फिर एक बार मेरी हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। उस पर्ची पर मेरी तस्वीर थी और लिखा था मौत 2:05। इस समय 1:50 हो रहे थे। अब इतना कुछ मजाक नहीं हो सकता था। मैंने कंडक्टर को आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाई साहब ये कैसा बेहूदा मजाक कर रहे हो। तभी उसने कहा, ये कोई मजाक नहीं, जिंदगी की कड़वी सच्चाई है जिससे आज तुम्हें भी रूबरू होना है। तभी मैं घबराते हुए बोला, अरे भाई ना तो मैं मरा हुआ हूँ और ना ही मैं मरने के मकसद से आया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। उस कंडक्टर ने मुझसे अपने नजरें ऐसे फेर ली जैसे वो भी मेरी मौत चाहता हो। इसके बाद मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और आज पहली बार भगवान शब्द का नाम मेरे जुबान पर आया। इतना सब देखकर तो हैवान को भी रहम आ जाए। उसने मुझे धीरे से कहा, हर रात 2 बजे ये बस जंगल के बीचों बीच रुकती है। तभी एक मुर्दों की टोली दरवाजे को जोर से खटखटाते हुए अंदर की तरफ दाखिल होती है और ये इस चीज़ की खोज पड़ताल करती है कि क्या कोई जिंदा शख्स मौजूद है इस बस में। अगर कोई होता है तो उसे जंगलों में घसीट कर ले जाते हैं और फिर इसके बाद उसका क्या होता है ये कोई भी नहीं जान पाता। उस आदमी का नामो निशान तक इस दुनिया से मिट जाता है। अगर 500 साल तक भी उस शख्स की लगातार खोज की जाए तो वो शख्स नहीं मिल पाएगा। अब मैं बुरी तरह से कांप रहा था। उसने मुझे एक उपाय बताया, हर लोहे का लोहा होता है, इससे बचने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहला कि जब वो टोली बस में दाखिल हो तो खुद को इस प्रकार मूर्ति बना लो जैसे कि तुम जिंदा नहीं बल्कि एक जिंदा लाश हो। रात के 3 बजे बस अपने आप इस सुनसान और तेज हवाओं के वातावरण में पूरी तरह से गायब हो जाती है, इसीलिए किसी तरह ड्राइवर को चकमा देकर बस से उतरकर भागना होगा। एक और बात, इस बस से एक बार नीचे कूद गए तो भूलकर भी बस को पलटकर नहीं देखना चाहिए, वरना अब की बार बस में कैद हो जाओगे और फिर कभी इससे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। ये सब सुनने के बाद तो मेरे तो पसीने छूटने लगे। इसके तुरंत बाद मैं एक जगह चिपक कर बैठ गया। तभी बस रुकी और एक घने डरावने जंगल के बीचों बीच रुकी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं सीधा बस के गेट पर गया और दरवाजा खुलते ही मैं वहां से भाग निकला। वो कंडक्टर बार बार मुझे आवाज़ दे रहा था कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन मैं अपनी मौत का इंतज़ार नहीं कर सकता था। और एक जिंदा इंसान को रियल लाइफ में मरने का ढोंग करने के लिए बोला जाए तो न जाने इससे भी कुछ ज़्यादा खतरनाक होगा। बस से उतरने के बाद सामने एक जामुन का पेड़ था, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सड़क सुनसान और अगर जंगल में भागता तो मेरी दौड़ने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगती और तब मेरी मौत निश्चित थी। फिर मैं पेड़ की उस डाली पर चिपक कर बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद जो मैंने देखा उसे देखने के बाद तो पूरा माहौल कांप उठा। तेज तूफान चलने लगे और इसी बीच बुरी तरह घायल कुछ लोगों की टोली बस में दाखिल होती है। कंडक्टर को वो लोग टांगों से घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि उसे क्यों ले गए, लेकिन बाद में मुझे ये समझ आया कि उसने मुझे मरने का टिकट दे दिया था और मैं भाग गया। इसी गलती के कारण उसे सजा भुगतनी पड़ती। अब उन मुर्दों ने उस कंडक्टर का क्या किया होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे अब जाकर कुछ याद आया। गौर से देखने पर पता चला कि बस के ठीक सामने वाले कांच पर एक बड़ा सा क्रॉस का निशान था। मेरी दादी ने मुझे इसकी सख्त हिदायत दी थी कि मैं किसी ऐसी बस में ना चढ़ूँ जिस पर क्रॉस का निशान हो। इसका मतलब होता है जिंदों की 9 एंट्री। फिर सुबह से 7:30 बजे तक मैं उसी जंगल में रहा और भोर हुई, रोशनी का उजाला हुआ तो मैं घर पहुंचा। शहर जाने की अब हिम्मत कहाँ रही थी। मैंने घर पे किसी को वो किस्सा नहीं बताया सिवाय अपनी दादी के, क्योंकि मुझे इसका सच जानना था। दादी ने पहले तो किसी पंडित को बुलवाकर मेरा शुद्धिकरण करवाया ताकि मेरे ऊपर कोई साया प्रभाव न डाल सके। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये प्रथा पिछले 20 साल से चलती आ रही है। रात 12 बजे के बाद इंसान में उतनी ताकत फुर्ती नहीं रह जाती जितनी कि दिन में होती है। गोमती नगर जाने के लिए एक बस रात को रवाना हुई 12:30 बजे के करीब, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंचे उससे पहले गांव के तालाब के पुल से गुजरते वक्त पुल टूटने की वजह से
बस नीचे जा गिरी और 36 पैसेंजर समेत कंडक्टर ड्राइवर समेत उनकी मौत हो गई। बस इसके बाद से हर रात एक बस रात के 12 बजे से 3 बजे जिंदों की तलाश में रहती है और वो बस उसी पुल पर जाकर गायब होती है। जो जिंदा होता है वो अपने आप नीचे पोखरे में गिर जाता है, जबकि जो मर चुका होता है तो वो सभी बस समेत कहीं दूसरी दुनिया में विलुप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही अब कह सकते हैं कि रात के 12 बजे के बाद कभी भूलकर भी बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। तभी मैंने कंडक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कंडक्टर खुद एक खेल खेलता है, वो बचाता नहीं बल्कि तुम्हें फंसा रहा था। उसके कहे मुताबिक अगर तुम बैठे रह जाते तो परमात्मा भी तुम्हें बचा नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कंडक्टर उन मौतों का जिम्मेदार ठहराया गया। दोस्तों ये वाक्य मेरी जिंदगी का बेहद डरावना किस्सा था। अब मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि क्यों आखिर रात के 12 बजे के बाद बस में सफ़र नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।